इवेंटचे साक्षीदार आहोत। जे इवेंट नाशिक शहरातील सुप्रसिद्ध असलेल्या संदीप युनिव्हर्सिटी मध्ये पहिल्यांदाच आयोजित केले गेले होते, ते म्हणजे इथे जो फॅशन शो आयोजित केला गेला होता तो पहिल्यांदाच या ठिकाणी आयोजित केला गेला होता। आणि या सर्व घटनेचे साक्षीदार आज बॉलिवूड कलाकारांना या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित केलं गेलं होतं। सोबतच काही फॅशन डिझायनर होते त्यांना देखील या कार्यक्रमामध्ये निमंत्रित केलं गेलं होतं। सोबत आपण बघाल तर या ठिकाणी संदीप युनिव्हर्सिटीचं मॅनेजमेंट देखील त्यांच्याशी संवाद साधतोय। आपण सर्वांशी संवाद साधण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करणार आहोत। सर्वप्रथम या ठिकाणी असलेल्या बॉलिवूड पिक्चरमध्ये काम करणाऱ्या सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डायना खान यांच्याशी आपण संवाद साधण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करणार आहोत। या ठिकाणी आपण आता बघाल तर फोटो सेशनचं मोठं असं या ठिकाणी काम सुरू आहे, पण या सर्वांमध्ये आपण त्यांना डिस्टर्ब न करता त्यांचं फोटो सेशन झालं असेल तर आपण त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा एक प्रयत्न करत आहोत। मॅडम, आप यहाँ पे आज पहली बार जो संदीप युनिव्हर्सिटी में फॅशन शो आयोजित किया गया था, सो यू आर फर्स्ट गेस्ट इज देअर, सो व्हाट युअर एक्सपीरियंस मॅम? This is my first time in Nasik and I must say that everything was well organized. Thank you to all of them and the experience was very lovely and all the best to everyone. Thank you. Ma'am, aap jisne participate kiya tha un logo ke liye aap kya kehna chahoge? Sabne bahut mehnat kiya, sab kafi young the, unka future bahut zyada bright hai inshallah, so happy for them. Yeah, thanks ma'am. Yahan pe kuch fashion designers the unse bhi hum baat karne ki koshish karenge. मैडम, कैसा एक्सपीरियंस था आपका आज यहाँ पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड द डिज़ाइंस, द एवरीथिंग, क्रिएटिविटी सब बहुत दिखाई यंग जनरेशन ने, ये अपकमिंग डिज़ाइनर्स है। फॉर मी ऑल आर विनर्स, कोई भी लूज नहीं किया, सब ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज द थिंग। एंड संदीप यूनिवर्सिटी, इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस है। थैंक यू। और यहाँ पे जो एंकर थे उनकी एंकरिंग ऐसी थी कि यहाँ पे जो जितने भी लोग यहाँ पे एज अ प्रेक्षक बन के आए थे उनके लिए बहुत अच्छी तरह से वो मोटिवेट कर रहे थे। मैम, कैसा रहा आपका आज का यहाँ का एक्सपीरियंस? माशाल्लाह, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि ये पहली बार नासिक से इतने खूबसूरत शहर में ऐसा फैशन एक्स्ट्रावेगेंजा हमने देखा है। तो मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी टू डॉक्टर संदीप झा जी, जो हमारे चेयरमैन हैं ऑफ द संदीप यूनिवर्सिटी, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और जो स्कूल ऑफ डिज़ाइन 2022 में उन्होंने विजन देखा था इस स्कूल के लिए कि हम चाहते हैं कि जो नासिक के हैं और जो इर्द गिर्द महाराष्ट्र स्टेट से हैं उन्हें कहीं पर जाने की ज़रूरत ना हो, हम उन्हें इंटरनेशनल अकेडमिक एजुकेशन यहीं पर देंगे। और हमने बिल्कुल बेखूबी से यही देखा, इतने ब्रिलियंट डिज़ाइंस देखे और मॉडल्स देखे, जस्ट परफेक्ट शो। सो आई एम हियर, ट्रूली फॉर्चुनेट टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू नो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी एंड डॉक्टर विवेक जी एंड ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज, जिनके पधारने से यहाँ पर सिर्फ रोशनी और रोशनी रही। सो हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस। मैं ज़रूर विभा कपूर जी की शुक्रगुजार हूँ, मुझे मतलब इतना खुशी हो रही है, इतना एहसास हुआ है दैट इट इज़ ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल सोल्स जो ये स्कूल बनाते हैं। कहते हैं टीचर्स आर अ मिरेकल ऑफ गॉड, और यहाँ पर टीचर्स, प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर और संजय सरदाना साहब, हैट्स ऑफ टू यू। चीयर्स टू एवरीवन हियर एट नासिक, दिस प्लेस रॉक्स, संदीप यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन। हम्बल थैंक्स। थैंक्स मैम। सर, व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस फॉर टुडे? फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, दिस इज़ द बेस्ट शो नासिक में, शो फर्स्ट टाइम हुआ है, दिस इज़ द ग्रैंड शो। बहुत ही सब लोगों का वर्कआउट रहा है, विवा जी का एंड राजेंद्र सर जी का, बहुत ही अच्छा शो लगा। और ऐसी बस शो करते रहिए और सबको जोड़ते रहिए और हम अवेलेबल रहेंगे ऑलवेज। थैंक्स सर। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक बॉलीवुड एक्टर है संजय सरदाना जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी, आपका नासिक की तरफ से तहे दिल से स्वागत। आप यहाँ पे, आप संदीप यूनिवर्सिटी की तरफ से आज पहली बार यहाँ पे फैशन शो का आयोजित किया गया था और आप वहाँ पे चीफ गेस्ट रहे। सर, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? सर, ये वैसे तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और थैंक्स टू विभा मैम, सर संदीप सर, इन सब ने हमें बुलाया, हमने टीम वर्क देखा और स्टूडेंट्स का तो काम वैसे ही सबसे अच्छा होता है। प्रोफेशनल्स तो बहुत देखते हैं हम, लेकिन स्टूडेंट्स के बराबरी नहीं होती, स्टूडेंट्स बेस्ट रहते हैं। और अलग अलग डिज़ाइन देखे और मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसका पार्ट बनने के लिए, और नेक्स्ट टाइम बनाना चाहेंगे तो मैं श्योर तैयार हूँ। ऑलवेज वेलकम सर। एक क्लैपिंग बनती है यूनिवर्सिटी के लिए। सर, नासिक वालों के लिए क्या कहना चाहोगे? सर, नासिक वालों के लिए क्या कहना, नासिक अपने आप में एक वो है, शंकर भगवान की सिटी है, भूमि है, तो इनके लिए तो हम तो खुद
नतमस्तक है इनके सामने। प्रभु रामचंद्राच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आपली नाशिक नगरी, याच नाशिक नगरीला यंत्रभूमी म्हणतात, सांस्कृतिक भूमी म्हणतात। या भूमीमध्ये आज पहिल्यांदाच संदीप युनिव्हर्सिटीमध्ये जो फॅशन शो आयोजित केला गेला होता त्याचे OHD आपल्या आता आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आहेत। विवेक निकम सर आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आहेत। सर, आपलं प्रबंधमध्ये स्वागत आहे। पहिल्यांदाच संदीप युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून आज हा भव्य दिव्य असा फॅशन शो आयोजित केला गेला होता, कसा अनुभव होता? हा एक वेगळा अनुभव होता। सगळ्यात मेन म्हणजे की आम्हाला एक नाशिक फॅशन वीक एक इव्हेंट म्हणून आम्हाला एक सुरुवात करायची होती। मागच्या 2 वर्षापासून ही एक संकल्पना होती, पण ती आता हे झाले आहेत, एक्सपिरियन्स केलं आहे। अँड त्याच्या पूर्ण श्रेय आता आमची पूर्ण स्कूल ऑफ डिझाईनची जी टीम आहे, लिडिंग बाय विभा कपूर मॅडम, ह्यांनी आणि त्यांची टीमनी फार मेहनत घेतली आहे। एक नाशिक फॅशन वीक ही संकल्पना जी आहे, आम्ही विचार केला होता की एक चांगलं प्लॅटफॉर्म क्रिएट करायचं, कारण की जे इकडचे जे विद्यार्थी आहेत, जे मुलं आहेत, जे फॅशनमध्ये त्यांना जे जास्त इंटरेस्ट आहे, त्या मुलांना हे एक प्लॅटफॉर्म द्यायचं, जेणेकरून ते नाशिकमधून बॉलिवूडला किंवा फॅशन इंडस्ट्रीला एक चांगला हातभार लागो। तर त्याच्या पाठीमागचा हेतू एकच आहे की आपल्या मुलांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म देणं। आणि प्रत्येक वर्षी हा इव्हेंट आता आम्ही ऑर्गनाईज करणार आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळेल। और अपने साथ बात करने के लिए यहाँ पे विभा कपूर मैडम है, जिन्होंने एक जो आज यहाँ के वो लीडर थी। मैडम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके यहाँ पे आज का कार्यक्रम का? सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये 2 साल से हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे थे, आज जाके हमने इसको सक्सेस किया है। स्टूडेंट्स बहुत इंथुजियास्टिक थे कि कब हम अपना अटायर रनवे पे लेके आएँ, और सक्सेसफुली आज उन्होंने अपना अटायर रनवे पे लाया है। और वोवन अटायर्स भी आपने देखे जो उन्होंने खुद बनाए थे, और प्रिंटेड फैब्रिक्स भी आपने देखे जो उन्होंने खुद बनाए थे, और आज उन्होंने उनका वॉक भी किया। और मैं थैंक यू बोलूँगी हमारे चेयरमैन सर को, डॉक्टर संदीप झा, हमारे रेस्पेक्टेड OSD प्रोफेसर विवेक निकम सर, जिनके विज़न और मिशन से आज हमने ये शो सक्सेसफुल किया है। उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते सर। और स्पेशली माई टीम, डॉक्टर राजश्री व्यवहारे मैडम HOD ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी, डॉक्टर तरुणा राज पुरोहित मैडम HOD फैशन लाइफस्टाइल डिज़ाइन, HOD इंटीरियर डिज़ाइन AR अमोल देशमुख सर, एंड माई इंटायर टीम, मिसेज नैना बोरोले मैडम, राजश्री मैडम, वैभवी पाटिल मैडम, इनकी तरफ से सारा सहयोग करके हमने आज ये शो सक्सेसफुल किया है। और डेफिनेटली जो मेरे गेस्ट आए हैं, संजय सरदाना जी, सिमरन मैम, डायना मैम, और हमारे डिज़ाइनर्स आयुष सोनी जी, शिवानी सोनी जी, उनके बिना ये शो हम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं कर पाते। मैडम, कितने दिन से इसकी तैयारी चालू थी? इसकी तैयारी हमने 1 महीने में की है, शॉर्ट नोटिस पे की है। और शॉर्ट नोटिस पे करने के बावजूद भी मुझे आज ऐसा लगता है कि ये शो हमने काफ़ी हद तक सक्सेसफुल बनाया है, तो आप लोग बताएंगे हमने कितना अच्छा किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमने नासिक सिटी में पहले बार देखा है। मैडम, ये सब प्रोग्राम आपने जो इवेंट मतलब आपने सोचा था, तब सबसे पहले ये इवेंट करना है, ये किसने सोचा था? सबसे पहले ये करना है, ये हमारे चेयरमैन सर का, ऑनरेबल मैनेजमेंट डॉक्टर संदीप झा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब मैंने ज्वाइन किया था 2022 में, तो सर उसको डिस्कस ही कर रहे थे उस मैटर को, तब मैंने बोला था सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आई विल डू द नीडफुल, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। और आज वो दिन हमने सक्सेसफुल किया है सर के लिए, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर कि सर ने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी और हमारे थ्रू ये शो कंडक्ट हुआ। और फ्यूचर के लिए स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहोगे? फ्यूचर के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स फैशन को अंडरस्टैंड करें, जब तक वो अपना इनोवेशन कंसेप्ट सामने नहीं लाएंगे कोई भी उनके इनोवेशन को जान नहीं पाएगा। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसमें स्टूडेंट्स अपने इनोवेशन को रनवे पर लाते हैं, और फैशन के स्टडीज़ में उनको पढ़ाया भी जाता है किस तरीके से आपको अटायर डेवलप करना है, क्या रिसर्च करना है, कैसे टेक्सटाइल में इसको कंपाइल करना है, और तब जाके पूरी मेहनत से एक गारमेंट डेवलप किया जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइनर आउटफिट, एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिज़ाइनर आउटफिट। तो इससे उनका फ्यूचर बनेगा अगर वो डिज़ाइनर आउटफिट रनवे पे लेके आएंगे। थैंक्स मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमें भी खुशी बहुत हुई कि हम ये प्रोग्राम लाइव कर सके। और दूसरी बात ये कि जो भी आपके स्टूडेंट रहेंगे फ्यूचर में इसको 100% एक्सेप्ट करेंगे, और उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। थैंक यू सो मच। यस, प्रबंधभूमी मीडियासाठी वैभव भांबर, दीपक पवार, आदरणीय विशाल गोसावी सर, मी सुनील बेलदार, संदीप युनिव्हर्सिटी नाशिक। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअर वर जा प्रबंध।